आई हैड ए डब, मेरे पास एक कबूतर था, मुझे एक कबूतर था। ये जो चैप्टर है क्लास सेवन्थ का इंग्लिश बुक का बिहार बोर्ड का है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो है आई हैड ए डब हिंदी अर्थ नहीं जानने वाले हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर जानने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए लास्ट तक, कॉपी पर लिखकर आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट करके शेयर भी कर सकते हैं। और हिंदी अर्थ जो है हमारे दूसरे वीडियो में बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देना है। हाउ डिड द डब डाई, मतलब जो कबूतर होता है वह कैसे मर जाता है। पोयम पढ़ोगे तो इसमें पोयम में कबूतर मर जाता है, तो वही पूछ रहा कैसे मर जाता है। तो द डब डाइड फॉर ग्रीविंग, कष्ट के कारण कबूतर मर जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिडंट द बर्ड लिव इन द केज एज हैप्पीली एज इन द फॉरेस्ट, मतलब पक्षियां जो है पिंजरे में खुश क्यों नहीं रहती है जैसे कि जंगलों में। मतलब जंगल में पक्षी देखते होंगे बहुत खुश रहते हैं, परंतु उसको पिंजरे में रखा जाए तो बेचारा सैड रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। द बर्ड हैड बीन कैज्ड एंड लॉस्ट इट्स फ्रीडम, क्योंकि पिंजरा में बंद करके पक्षियों को उसके आज़ादी को, फ्रीडम को हम लोग खो देते हैं, इसीलिए बेचारा दुख रहते हैं। अगर आपको ही जेल में बंद रखा जाए तो आप खुश रहोगे, उसी प्रकार से पक्षियाँ भी पिंजरे में दुखी रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द पोइट केयर्ड फॉर द बर्ड, आप यह कैसे कह सकते हो कि कवि जो है पक्षियों की देखभाल, पक्षी का देखभाल करते हैं, कर दीजिए। तो चलिए, द पोइट ऑफन किस्ड इट एंड गेव वाइट पीस टू इट, कवि जो है बार बार अपने जो कबूतर होते हैं उनको चूमते हैं और उन्हें उजले मटर खाने को देते हैं। ही लव्ड एंड केयर्ड द बर्ड मच, इसीलिए वे पक्षियों को ज़्यादा लव करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं। स्क्रीन शॉट आप कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए आगे जो प्रश्न है, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर सॉरी राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ये जो स्पेस है इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है। तो देखिए प्रश्न है, द डब वाज गिवन ग्रीन पीस टू इट, मतलब पक्षी डब को हरी मटर दिया जाता था, तो गलत है, उसको वाइट मटर दिया जाता था, फॉल्स होगा। द डब लिव्ड इन द फॉरेस्ट ट्री, पक्षी जो है फॉरेस्ट के पेड़ पर रहता था, तो गलत है, पिंजरे में रहता था, फॉल्स होगा। द डब वाज अनहैप्पी, पक्षी ना खुश था, तो ये सही होगा, ट्रू होगा। तो ये देख लीजिए, फॉल्स ट्रू, ट्रू आपका आंसर भी लिख दिए, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए सही उत्तर पर टिक लगाइए। हु हैड वोवन द थ्रेड इन द पोयम, तो इसका आंसर होगा द पर्सन हु हैड केज्ड द बर्ड। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, द पर्सन हु हैड केज्ड द डब फेल दैट दे डू हैड नो रीजन टू ग्रीव बिकॉज द डब वॉज बींग टेकन केयर ऑफ, मतलब जो आदमी पिंजरे में डब को रखा हुआ था तो उसे महसूस नहीं हो रहा था कि पक्षी कष्ट में हो, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा उसका देखभाल करता था, तो देखभाल करता था परंतु उसको पिंजरा में रखा था, इसी कारण से उसको कष्ट था। देखिए लास्ट में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, चार प्रश्न है। तो जानते हैं, व्हाट हैपेंस टू द डव इन द पोयम, कविता में डव के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, द डव डाई इन द पोयम, कविता में डव जो है मर जाता है। आगे देखिए, पिक आउट द लाइन्स व्हिच शोज दैट द पोइट टू केयर ऑफ द डव, मतलब वो लाइन को दिखाइए जिसमें लगता है कि कवि अपने डव का देखभाल करते हैं। I kissed you oft and give you white peas. तो इस लाइन में देखिए, मैं तुम्हें चूमता हूँ और तुम्हें उजले मटर देता हूँ, तो ये लाइन दिखाता है कि कवि जो है अपने डब की केयर करता है। तीसरा प्रश्न है, Did the poet know the cause of the dove's grieving? क्या कवि जानते थे कि डब के कष्ट का कारण क्या है? हाँ, The poet knew the cause of द डब्स ग्रीविंग, मतलब जो कबूतर था उसके कष्ट के कारण को कवि जानते थे। ही न्यू दैट द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन फॉरेस्ट बट इट वॉज सैड इन द केज, वे जानते थे कि पक्षी जंगलों में खुशी से रहते हैं, पेड़ पौधे पर पिंजरे में दुखी से रहते हैं। और लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए लास्ट प्रश्न, द पोइट कॉल्स द डब विथ डिफरेंट नेम्स इन द पोयम, कविता में कवि डब को विभिन्न प्रकार के नामों से बुलाते थे। वन हैज़ बीन रिटेन फॉर यू, एक जो है आपके लिए लिख दिया गया है, स्वीट डब, कैन यू आइडेंटिफाई द अदर नेम्स, और भी जो नाम था उसको आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो। तो देखिए हमने लिख रखा है, स्वीट डब तो बुलाते थे, स्वीट लिटिल फीट भी बुलाते थे, स्वीट बर्ड या प्रीटी थिंग, ये चारों नाम से बुलाते थे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, इंग्लिश उसके बाद तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।